हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक रहेगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जो कि कक्षा 12th के चैप्टर 6 में दिया हुआ है, परीक्षण मापन मूल्यांकन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है क्या। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को नापने का एक टेस्ट है, परीक्षण है, जिसको लूसियन ब्रूहा ने बनाया था और उसके सहयोगियों ने मिलकर 1943 में। इसका नाम हार्वर्ड स्टेप इसलिए पड़ा क्योंकि लूसियन ब्रूहा ने इस टेस्ट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ही का ही परीक्षण करके बनाया था, तो इसलिए इस टेस्ट को कहा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो पर्पज़ इसका क्या है, इसको क्यों किया जाना चाहिए? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए और एरोबिक फिटनेस के लिए इसको किया जाता है। कार्डियो का मतलब यहाँ पे हृदय और वैस्कुलर का ब्लड वेसल्स, एरोबिक फिटनेस का वायवीय क्षमता का नापने के लिए, और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट यानी कि हमें क्या क्या उपकरण चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए। स्टॉपवॉच चाहिए, बॉक्स चाहिए, और प्रोसीजर है इसका, इसमें इसका जो टेस्ट का फार्मूला है वो दिया हुआ है 100 × टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 2 × सम ऑफ पल्सेस, जिसको आगे मैं समझाऊंगी अभी आपको। तो इसमें बॉक्स जो लिया हुआ है, इसकी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, बॉक्स हाइट मैन के लिए, अगर मैन का हम टेस्ट कर रहे हैं तो 20 इंच होगी, जिसको अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 50 सेंटीमीटर होगा, और फीमेल के लिए होगा, वुमेन के लिए होगा 16 इंच, और सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स पर मेल या फीमेल जो भी टेस्ट करवाना चाहते हैं इस टेस्ट को, उनको 5 मिनट तक ऊपर नीचे कदम ताल करनी होगी। 5 मिनट के बाद उनको बैठा दिया जाएगा चेयर पर, और उसके बाद उनकी पल्स नापी जाएगी। रेडियल आर्टरी लिखा हुआ है, यानी कि हाथ के ऊपर, हाथ की उंगलियों के ऊपर, हथेली के ऊपर जो हमारी पल्स है उसको रेडियल आर्टरी कहेंगे, वहाँ से हम नब्ज को नाप सकते हैं। और दूसरा तरीका है कैरोटिड पल्स आर्टरी से भी हम नाप सकते हैं, जो कि गर्दन में होती है दोनों तरफ, उधर भी हम इंडेक्स फिंगर और एक ये मिडल फिंगर दोनों को मिला के गर्दन पर लगा के भी पल्सेस को हम नाप सकते हैं। तो उस तरह से 30 सेकंड में हमें पल्सेस को नापना है, 5 मिनट की वॉक कर ऊपर नीचे कदम ताल करने के बाद, बिठाने के बाद 30 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर हमें 30 सेकंड में उसको नाप लेना है। नाप लेने के बाद फिर उसको रेस्ट देना है, और फिर 2.5 मिनट बाद फिर से पल्सेस को नापना है। फिर 2.5 मिनट के बाद जब 30 सेकंड तक हम पल्सेस को नाप लेंगे, फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट देकर फिर 3.5 मिनट पर फिर पल्सेस को नापना है। इस प्रकार हमारे पास 3 नाप आ जाएंगे। एक तो उसने 5 मिनट की कदम ताल करने के बाद जो नाप लिया वो फर्स्ट नाप हो जाएगा हमारा 30 सेकंड का। उसके बाद हमारा जो 2.5 मिनट में हमने टेस्ट लिया, 2.5 मिनट के बाद पल्सेस का जो टेस्ट लिया वो सेकंड हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा 3.5 मिनट पर जो लिया। तो 3 माप हमारे पास पल्सेस के आ जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर लिखने हैं। सम ऑफ पल्सेस का मतलब उन तीनों को हम प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, एज्यूम कर लिया हमने कि हमारा फर्स्ट नाप जो हमारा आया है पल्सेस का 70 आया है, और 2.5 मिनट का जो हमने टेस्ट किया था उस पर आया है 60, और 3.5 मिनट का जो टेस्ट किया था उस पर आया है 50। तो इन तीनों नापों को हम प्लस कर देंगे, प्लस करके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा आया 360। और उसी तरह से ऊपर वाला भी है, 100 में टेस्ट ड्यूरेशन यानी कि हमने कदम ताल कितने मिनट तक करवाई, 5 मिनट तक। तो 5 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 300 सेकंड। तो 300 सेकंड आ गया, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। उसके बाद हमने 360 से जब इसको डिवाइड किया तो हमारा ये आया पुष्टि इंडेक्स 83.3। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को। और 1 मिनट में हमें, जब हम ऊपर नीचे 5 मिनट तक कदम ताल करवाते हैं, उसमें हमें 1 मिनट में कम से कम 30 स्टेप लेने होते हैं, तो 5 मिनट में हमारे टोटल 150 स्टेप होने चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ है, ये बॉक्स हो गया हमारा, जिसकी हाइट मैंने आपको पीछे बताई थी अभी। और इस तरह से हम कदम ताल करेंगे, पहले एक कदम ऊपर जाएगा फिर दूसरा, इस तरीके से हम कदम ताल ऊपर नीचे करेंगे। और इसमें मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 मिनट में 30 स्टेप है, तो 5 मिनट में हो गए आपके 150 स्टेप यानी कि 150। और यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, पिछली हमने जो अभी सॉल्व किया है पीछे सम, उसमें हमारा जो पुष्टि इंडेक्स स्कोर आया है वो आया है 83 point something, जो कि यहाँ पर आता है। अगर महिला का हम देखें तो 83 point something यहाँ पर आएगा, जो कि एक अच्छा स्कोर है, और पुरुषों का भी 80 से 90 के बीच में अच्छा स्कोर, अगर हम उस टेस्ट को पुरुष का मानते हैं तो भी वो दोनों का स्कोर यहाँ पर गुड आएगा। तो ये थी आपकी टेबल, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।